मैं सभी ईशानी मुंबई की जनता से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि मैं कल पर्चा भरने जा रहा हूं, आप लोग ढोल ताशे के साथ में वहां पे विक्रोली में जो कलेक्टर ऑफिस दिया है बना है इलेक्शन डिपार्टमेंट में, वहां पे आप आइए। मेरी बहुत बहुत गुजारिश, जितने भी वंचित है, दलित मुस्लिम जो भी क्रिश्चियन सी ईसाई, ये लोग से सबसे गुजारिश है कि आप लोग ढोल ताशे के साथ में आइए, वहाँ पे फॉर्म भरने मुझे साथ दीजिए। मैं दौलत कादर खान, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार, डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर साहब ने इधर इस ईशानी मुंबई से मुझे उम्मीदवारी दी, मैं उनका बहुत बहुत मेरे दिल से उनको शुक्रगुजार करता हूँ कि वंचितों के लिए, मुस्लिमों के लिए आज उन्होंने एक इतना अच्छा फैसला लेके सारे अखे बम्बई के अंदर तीन उम्मीदवार मुसलमान दिए हैं, इसीलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने जितनी ज़्यादा भागीदारी उतनी ज़्यादा हिस्सा उनका ये था, इसीलिए 17% अगर जब मुसलमान इस ईशानी मुंबई में वोटर है और बाकी लोग कम हैं, लेकिन फिर भी कोई पार्टी मुसलमानों को सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानती है, मुसलमानों को लीडरशिप देना नहीं जानती है, लेकिन आज जिसने घटना बनाई उन्होंने हमारे को राइट्स दिए, या हमने टोपी पहने, या हमने नमाज पढ़ रहे, या हमारे मस्जिदों के लिए जितना भी उन्होंने मुसलमानों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे जो घटना के अंदर हमारे लिए जितना करे, उनके जो आज उनके पोते डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर ने हमारे लोगों को इस लायक समझे कि भाई तुम्हारी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागी तुम्हारी भी देंगे, इसीलिए आज प्रकाश अंबेडकर साहब ने हमको उम्मीदवारी दी इस ईशानी मुंबई से। मैं उनका शुक्रवार बार बार जितना भी शुक्रगुजार करूंगा तो ये कम है, और कल मैं पर्चा भरने जा रहा हूँ, आप लोग से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर वहाँ पर जितना भी लोगों को, बड़ी पार्टियों को बता दे कि भाई मुसलमान हक हक मांगता है, मुसलमान किसी से भीख मांगता नहीं है, क्योंकि जो लोग आज डेवलपर के नाम पे इतने सालों से शिवाजी नगर मानगोर के अंदर डंपिंग ग्राउंड और भी बाकी जो तुम्हारे एसएमएस कंपनी, ये सारे लोगों को इधर 100% बीमारी, टीवी की बीमारी, आप हॉस्पिटल में चले जाइए जहाँ से भी आए तो सिर्फ और सिर्फ बताते गोंडी से। अरे लोगों के लिए हेल्थ के लिए काम करो और डेवलपमेंट के लिए काम करो, राजनीति तो होते रहेगी, इसीलिए मैं इस गोंडी के आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुसलमान भाइयों को कि जो लीडर बताते नहीं हैं, 17% हमारी वोटिंग है इस जगह पे, जब 17% हमारी वोटिंग है तो क्यों नहीं मुसलमान चुन के अकेला आ सकता है। आज लोगों के बीच में इस तरीके से ये फैला दिया भरम दिमाग में कि भाई मुसलमान खड़ा रहेगा तो आएगा नहीं, मुसलमान खड़ा है तो बी टीम है, मुसलमान खड़ा रहेगा तो बी टीम है, लेकिन हमारा हक है। आज बाबा साहब ने हमको एक जो पहले ज़माने में राजा माँ के पेट से पैदा होता था, लेकिन आज के जब से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को संविधान दिया, उससे हर माँ अपने पेट से जो राजा पैदा कर सकती है, ये सिर्फ इलेक्शन का जो वोटिंग का जो हक दिया है यही राजा हमको बना सकता है। मेरी तमाम गोंडी की जनता से अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पर्चा भरने में जा रहा हूं, आपसे गुजारिश है आप लोग आइए। चाहने वाले काफी बड़ी संख्या में रवा भाई कॉलोनी में रहते हैं, मुरुड़ में रहते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको वोट दें और आप भारी मोहब्बत से जीते। प्रकाश अंबेडकर साहब को तो दिल से चाहने वाले इतने जितने भी जो वंचित है, ये नहीं कि सिर्फ प्रकाश अंबेडकर को दलित चाहता है ये चाहता है, लेकिन जितने वंचित है हम खुद देख रहे हैं, हम इनके साथ में काम कर रहे, पिछले 4-5 साल से हम काम कर रहे, इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल के लिए आगे इन्होंने डाले बिगर हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी भी, लेकिन साहब ने जितना अजान के बारे में बोले, फिलिस्तीन के बारे में, किसी ने कोई पॉलिटिकल पार्टी इस हिंदुस्तान के अंदर किसी ने भी जो फिलिस्तीन के बारे में आवाज़ नहीं उठाई, साहब को हमने बोले साहब
मजलूम लोग है और मजलूम लोग के लिए आप नहीं साथ देंगे तो कौन देंगे। उन्होंने दूसरे दिन 6 दिसंबर का प्रोग्राम हुआ, लेकिन इतनी थकान के बावजूद भी 8 दिसंबर को जो ऐतिहासिक मैदान है उसके अंदर, आज़ाद मैदान के अंदर परमिशन लेके, कोई आप इतिहास उठा के देखो कि अभी तक फिलिस्तीन के बारे में सिर्फ लोगों ने बोले ठंडा बंद करो, साबुन बंद करो, शैम्पू बंद करो, लेकिन प्रकाश अम्बेडकर साहब ने ऐतिहासिक मैदान में, आज़ाद मैदान में प्रोग्राम लेके बता दिए कि अगर अम्बेडकर के खानदान वाले चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। और लेकिन लोग क्या दुनिया को भ्रम में ये डाल रहे हैं कि ये बोले, सब लोगों को यही बोल रहे हैं कि भाई हम इतिहास बदल देंगे, हम इतिहास बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे। अरे जिसके घर का संविधान है हाँ, तो क्या इसी तरीके से छोड़ देंगे? इसीलिए मैं बोलता हूँ मुसलमानों, आज है टाइम है, संभल लो, क्योंकि कल उस टाइम आ रहा है, आएगा नहीं। और प्रकाश अम्बेडकर के हाथ को मजबूत करो, वो आज दूसरे के कॉलर पकड़ने के लिए उनके पास ताकत है, और हमारे पास कोई लीडर ऐसा नहीं है जो फिलिस्तीन के बारे में बोला नहीं बोला, अजान के बारे में बोला नहीं बोला। आज सुजात अम्बेडकर साहब ने डायरेक्ट राज ठाकरे को बोले कि भाई तुम अजान बंद करेंगे तो माओ मस्जिद के पास में आके जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो पढ़ो, लेकिन जो कोई भी एक भी दलित समाज का कोई आएगा नहीं, आप अपने अपने बच्चे लोगों को लाके पढ़ाओ चालीसा जो भी करना है, लेकिन जातिवेदी का ये राजनीति मत करो। मेरी बहुत बहुत सब लोगों से गुजारिश है, जातिवेदी मत करो, सब मर के एक ही जगह जाना है। और इसीलिए मेरी गुजारिश है प्रकाश अम्बेडकर साहब का हाथ मजबूत करो, और पूरे अक्के महाराष्ट्र में 6 सीट दिए, और ये लोग ने जो बड़ी बड़ी पार्टी है, जैसा कि नसीम खान साहब ने भी बोल दिए कि भाई मैं प्रचार, उन्होंने कुछ समिति के अध्यक्ष थे उसी से उन्होंने रिजाइन दिए, इसी बारे में